असम में चुनावी जीत से पहली बार पूर्वोत्तर में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी गठबंधन ने असम में दो तिहाई से ज्यादा सीटें हासिल की हैं। बीजेपी गठबंधन को 126 में 86 सीटें मिली हैं। अकेले बीजेपी को 60, असम गण परिषद को 14 और बोडोलैंड पीपुल फ्रंट को 12 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली है, जबकि AIUDF को 13 और निर्दलीय को 1 सीट मिली। बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल 24 मई को असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई बीजेपी पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में ये फैसला लिया गया। सोनोवाल के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा ले सकते हैं। ऑब्जर्वर के तौर पर ओम माथुर और थावरचंद गहलोत गुवाहाटी का दौरा करेंगे, जिसकी तारीख का अभी ऐलान नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लेफ्ट और कांग्रेस का अकेले मुकाबला करते हुए ममता बनर्जी की पार्टी ने लगातार दूसरी बार पश्चिम बंगाल में जीत हासिल की। पश्चिम बंगाल में TMC को 211 सीटें मिली हैं, लेफ्ट फ्रंट को 32 और कांग्रेस को 44 सीटें। बीजेपी को 3, जबकि सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा को भी 3 सीट मिली है। चुनाव जीतने के बाद ममता ने कहा कि वो राष्ट्रीय राजनीति में भी आ सकती हैं। तमिलनाडु में लगातार दूसरी बार जयललिता की AIADMK ने सत्ता में वापसी की है। 232 सीटों पर हुए चुनाव में AIADMK को 134 सीटें, जबकि DMK और कांग्रेस गठबंधन को 98 सीटें मिली हैं। अन्य के हिस्से में एक सीट आई है। केरल में LDF ने UDF को सत्ता से बाहर कर दिया है। 140 सदस्यों की विधानसभा में लेफ्ट फ्रंट को 83 और UDF को 46 सीटें मिली हैं। बीजेपी को एक सीट मिली है, जबकि अन्य के खाते में 10 सीटें आई हैं। 5 राज्यों में हुए चुनावों में 4 राज्यों में 1% से ज्यादा वोटरों ने किसी उम्मीदवार को वोट देने के बजाय नोटा यानी कोई नहीं के विकल्प का इस्तेमाल किया है। पुडुचेरी में 1.7, पश्चिम बंगाल में 1.5, तमिलनाडु में 1.3 और असम में 1.1% और केरल में 0.5% वोटरों ने किसी उम्मीदवार को वोट देने के बजाय नोटा का विकल्प चुना। चुनाव आयोग ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EVM मशीनों में नोटा का विकल्प जोड़ा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में जंगल राज जैसे हालात हैं। केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस में अतिरिक्त भर्ती करने और फोरेंसिक लैब में लंबित 11,000 मामलों को गंभीरता से न लेने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 27 मई को करेगा। पठानकोट एयरबेस हमले में शामिल रहे आतंकी शाहिद लतीफ के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। NIA ने CBI के जरिए इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। लतीफ जैश ए मोहम्मद का वही आतंकी है जिसे UPA सरकार ने साल 2010 में पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने के नाम पर रिहा कर दिया था। कोयला घोटाले के अमरकोंडा मुर्गा दंगल केस में CBI की विशेष अदालत आरोपी सुरेश सिंघल को सरकारी गवाह बनाने पर आज फैसला करेगी। सुरेश सिंघल पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और कोयला घोटाले में आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपी नवीन जिंदल की कंपनी GSPL के लिए काम करते रहे हैं। सुरेश सिंघल ने कोर्ट में दर्ज अपने बयान में कहा है कि नवीन जिंदल की कंपनी के लोगों ने उन्हें अंधेरे में रखकर नई कंपनी बनाई थी। उस नई कंपनी के जरिए पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव की कंपनी सौभाग्य मीडिया में 2 करोड़ रुपए के शेयर खरीद के नाम पर ट्रांसफर कराए थे। पैसे के इस ट्रांसफर को CBI ने कोयला खदानों के लिए दी गई रिश्वत बताया है। सरकारी गवाह बनने की पेशकश के बाद सुरेश सिंघल ने नवीन जिंदल के करीबी रहे सुशील मारू पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया था। पेरिस से काहिरा जा रहे इजिप्ट एयरलाइंस के प्लेन क्रैश की फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांक्वा होलाने ने पुष्टि की है। गुरुवार को पेरिस से काहिरा जा रही इजिप्ट एयरलाइंस की फ्लाइट भूमध्य सागर के ऊपर क्रैश हो गई। फ्लाइट में क्रू मेंबर सहित 66 लोग सवार थे। सेना की एक टीम ने 8,848 मीटर ऊंची माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। इस पर्वतारोही टीम का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल रणवीर जामवाल ने किया। आर्मी के प्रवक्ता ने बताया कि खराब मौसम के बावजूद ये टीम एवरेस्ट पर चढ़ाई करने में कामयाब रही। सेना प्रमुख जनरल दरबीर सिंह सुहाग ने भी एवरेस्ट पर पहुंचने वाली टीम को बधाई दी है।